प्रदेश में सरकार के शिक्षा सुधार के अच्छे परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं। अब सरकारी स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं। एक गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल सेक्टर 55 का जिला उपायुक्त विक्रम सिंह यादव दौरा करने पहुंचे। इस मौके पर इंडिया न्यूज से बातचीत में विक्रम सिंह यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार की पहल थी कि हर जिले में मॉडल संस्कृति स्कूल बनाया जाए, उसी का एक उदाहरण स्कूल में देखने को मिला है। और क्या कुछ कहा जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने, सुनिए। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में शिक्षा में सुधार के जो प्रयास किए गए हैं, इसका एक उदाहरण फरीदाबाद में देखने को मिलता है। आपको मैं एक मॉडल संस्कृति स्कूल की तस्वीर दिखा देता हूं। ये सेक्टर 55 का मॉडल संस्कृति स्कूल है जो निजी स्कूलों को टक्कर देता हुआ दिखाई देता है, और टक्कर भी इस तरह की, यहाँ एडमिशन के लिए भी सिफारिशें आती हैं, लेकिन सिफारिशों के बावजूद इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलते। चूँकि यहाँ DC फरीदाबाद विक्रम यादव और ADC आनंद शर्मा विजिट करने के लिए स्कूल का पहुंचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक ताज़ा उदाहरण हरियाणा सरकार के प्रयास शिक्षा में सुधार, और इसका फरीदाबाद में ये नमूना दिखाई देता है स्कूल एक तरह से के एक उदाहरण के तौर पर। जैसा कि हरियाणा सरकार की पहल थी कि मॉडल संस्कृति स्कूल जो बनाए जाएँ, उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला स्कूल निकला है, जो पूरे फरीदाबाद ही नहीं, मैं कहूँगा कि पूरे प्रदेश में भी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है ये। तो इसमें जो नॉर्मल क्लासेस हैं वो तो लगी रही हैं, इसके साथ में बुनियाद के कार्यक्रम भी चल रहे हैं जो हरियाणा सरकार की पहल थी। तो और यहाँ से जो देखने में मिला है कि बच्चे हायर एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए या फिर इंजीनियरिंग के लिए देश के टॉप कॉलेजेस में भी गए हैं। तो एक ये बड़ी बात है कि जो हमारे प्रिंसिपल और जितने भी टीचर्स यहाँ पे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ में कि वो आगे अपने कॉलेज जो उनको आगे जो भी पढ़ाई करनी है उसमें सबसे बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में जा रहे हैं। नामी ग्रामी जो निजी स्कूल हैं उनको टक्कर देता हुआ, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ सिफारिशें आती हैं कि एडमिशन कराया जाए, लेकिन एडमिशन तक नहीं होते इस तरह से यहाँ। तो बिल्कुल ही जैसा, जो अगर स्कूल बढ़िया परफॉर्म करते हैं वो बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा, वो पूरी स्टाफ की मेहनत से ही करते हैं। तो अगर इतने बढ़िया स्टाफ और टीचर्स रहेंगे तो रिजल्ट भी अवश्य ही अच्छे आते हैं। फिर उसके बाद में सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं कि अगर रिजल्ट बढ़िया है तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उसी स्कूल में एडमिशन हो जाए। तो अगर सरकारी स्कूल बढ़िया रहेंगे तो लोग प्राइवेट में भेजना बंद करेंगे, और जो ये इस एरिया में देखने को मिला है, जैसा आपने अभी बताया भी और जो फीडबैक भी यहाँ का है कि पेरेंट्स इस स्कूल में ज़्यादा डालना चाहते हैं अपने बच्चों को एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल, तो एक अच्छी बात है। तो ये हमारी कोशिश है इसी तरीके के हमारे बाकी स्कूल भी रहें और ऐसे ही परफॉर्मेंस हमारी बाकी स्कूलों की रहे। इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि 18 जो स्टूडेंट्स हैं वो JEE मेंस में उनका एडमिशन हुआ या नंबर आया है उनका। हाँ जी, जो मेहनत करी है टीचर्स ने उसी का फलस्वरूप है कि बच्चों ने इतनी मेहनत करी और अपने प्रयासों से वो JEE मेंस में या फिर मेडिकल कॉलेज में या फिर इंजीनियरिंग के लिए भी बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में गए। तो एक अच्छी पहल है। तो मैं इसके लिए जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो DO मैडम है या फिर नीचे जो प्रिंसिपल है या फिर जो टीचर्स हैं, उन सभी को बधाई देना चाहूँगा। बिल्कुल, बड़ा उदाहरण है ये स्कूल उन तमाम स्कूलों के लिए और निजी स्कूलों को लेकर भी कि यहाँ जिस तरह से एडमिशन के लिए भी सिफारिशें आ रही हों, तो कहीं ना कहीं और JEE मेंस में भी यदि 18 स्टूडेंट्स का नंबर आया है तो अपने आप में ये मॉडल संस्कृति स्कूल ना केवल फरीदाबाद का बल्कि प्रदेश में भी नंबर 1 पे बताया जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।